ये रहा मेरा कैबिनेट, गेमिंग कैबिनेट। ओके, ये रहा मेरा गेमिंग कैबिनेट। तो इस पर RGB फैन लगा हुआ है, और ये मेरा स्पीकर, दो स्पीकर, स्पीकर पीसी का स्पीकर है, और इसका कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये रहा मेरा पहला सा मॉनिटर जिसके अंदर मैं स्ट्रीम करता हूँ और गेम प्ले भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को दिखाऊंगा गेम ओपन करके भी, ठीक है, ठीक है। और ये बस कीबोर्ड है, मुझे एक्चुअली इतना खेलना नहीं आता फ्री फायर पीसी के अंदर, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है भाई, सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है यार। मुझे पहले लगता था कि बहुत इजी होता है पीसीबी के कंट्रोल करना, बट बहुत ही हार्ड है। पर कोई बात नहीं भाई, टाइम टू टाइम हम कुछ दिन के अंदर सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले आप लोग को मैं ओपन करके दिखाता हूँ गेम कैसे दिखते हैं, इंटरफेस, ठीक है। चलो फ्री फायर के, ये देखो कहना ना फेली पर, वाह भाई क्या बात है, क्या सीन है ब्रो। रुको जरा सबर करो। और जी हाँ गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, प्लीज़ भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भाई जो करने भाई कर देना भाई, क्योंकि भाई इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इसको अभी दे अपग्रेड कर रहा हूँ इस पीसी को, ठीक है। मेरे पास जितना है वो लो बजट के अंदर मैंने इसको परचेज किया, मतलब बिल्ड किया। अगर भाई आप लोग के दुआ रहेगा, भाई साथ रहेंगे, तो भाई इन फ्यूचर इसको भी अपग्रेड करने में मुझे मतलब इजी होगा ना, ठीक है ना। तो यही बस हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है आप लोग। चलो इसको फुल स्क्रीन में लेके आता हूँ। चलो हाँ, तो ये रहा पीसी का एमुलेटर, क्या लिखा है, वाह भाई। ये रहा गेम, और ये रहा मेरा गेम प्ले। तो इधर मैंने इस प्ले कुछ एक्सटेंशन, जो ये जो फाइल से ये डाउनलोड नहीं किया ना, तो इसलिए इस ऐसा इंटरव्यू भी दिखने को मिल रहा है। आप सबको दिखा दिया कि कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है ना। और मुझे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हुआ भाई इतना पैसा से खरीदना भाई। आप लोगों को पता है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं, तो इतना पैसा एक गेम के अंदर लगाते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है ना। और फाइनली गेम तो हमको खेलना है इस मोबाइल मोबाइल के अंदर, ठीक है। ये मेरा पहला मोबाइल था जिसके अंदर मैं गेम प्ले करता था, इसका नाम है रेडमी नोट 8 प्रो। इस पे भी ठीक ठाक गेम प्ले कर लेता था हम, मतलब बहुत ही अच्छा गेम प्ले करता। बस इसको तो अभी अपग्रेड किया, तो अपग्रेड करने के बाद मेरा मैंने मोटोरोला का सेट लिया, तो उसको भी गेम प्ले करता हूँ, उधर ही स्ट्रीम वगैरह करता हूँ। तो बस, और खेलना है तो हमको मोबाइल पे, इसलिए हम लोग पीसी पे इतना क्यों पैसा खर्च करेंगे ना। तो भाई इसलिए बस सब कुछ ठीक ठाक खेल लेते, स्ट्रीम करते। और बहुत दिन से, काफ़ी दिन से स्ट्रीम नहीं किया, इसके लिए पीछे बहुत रीज़न है, कारण है, आप लोग को बताऊंगा धीरे धीरे। बस ये वीडियो आप लोग के लिए था स्पेशली भाई, मैंने कैसे पीसी बिल्ड किया। और बहुत पहला बोलता है भाई मेरे को, भाई आप लोग आप पीसी पे गेम प्ले करो भाई, पीसी पे बहुत अच्छा गेम प्ले कर सकते होते, ठीक है। तो मैंने भी उन लोग की बात इतना अच्छे से नहीं सुना, और ये फाइनली ये मेरा पीसी का है ना, यही इस पे गेम प्ले आज धीरे धीरे कोशिश करूंगा। और वैसे भी मैं तो मोबाइल प्लेयर ही हूँ ना भाई, तो फिर भी इस पे भी ट्राई करूंगा, अगर क्या पता इस पे हम लोग एक दिन भीम सिंह जो BNL B2 पे बन जाए, ठीक है, वो दूर की बात है भाई, जस्ट जोकिंग। ओके, और एक बात, अगर हमारे गांव में ना अगर ऐसे करोगे तो बहुत बंदे, बहुत आसपास के लोग बड़े से बोलते भैया आप क्या करते हो यार, पूरा दिन दिन मोबाइल पे लगे रहते हो, ऐसे ऐसे गेम प्ले क्या क्या उल्टा। उन लोग को समझ नहीं आता गेम के अंदर भी आप लोग का फ्यूचर बन सकता है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही है, और आप लोग इसको नोटिस मत करना, ठीक है। हमारा ये जो ना, ये हमारा एक्चुअली छोटा सा शॉप स्टोर है, शॉप है, आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। उधर पूरा ऐसा घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ये, इसको भाई इग्नोर करते रहना भाई, हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं मिडिल क्लास फैमिली पे। तो मैं इसको एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना, मैं काम भी करता हूँ, हमारे दुकान पे रहता हूँ, और माँ पापा को फैमिली को हेल्प भी करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं रात में ना ये पीसी का जो गेम प्ले है इस पे भी मैं करता हूँ, गेम खेलता हूँ मोबाइल पर, मैं गेम प्ले करता हूँ। मतलब भाई मुझे सच बताओ तो टाइम नहीं मिलता है भाई, रात को ही जो मिलता है वही टाइम को यूज़ करता हूँ भाई, बहुत ही प्रॉब्लम होता है भाई टाइम मेंटेन करना। फिर भी भाई आप लोग के लिए ये करता हूँ, और मेरा जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए भाई ये करना पड़ता है मेरे को भाई। तो फिर भी अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो भाई, वो मेरा बैटला होंगे भाई, आप लोग का बैटला नहीं है। फिर भी चलो भाई, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत बोल लिया भाई, आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे सुनते सुनते। और ये दुख की कहानी और किसी और दिन और एक वीडियो इसके अंदर आप लोग का शेयर करूंगा। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जय हिंद भाई, बने।
खुश रहना, हैप्पी रहना, लव यू एंड प्ले फ्री फायर, फ्री फायर इज ऑन, गैना फ्री फायर इज ऑन।